हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, और आप देखेंगे कि स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। तो मैं बताती हूँ कि ये सीरीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। आप देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर की टर्म में है सारी टर्म्स। तो आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि अगर कोई भी टर्म है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की टर्म में है तो वो वन हो जाता है अगर ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इस वीडियो को जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो अब आप इस चीज़ को यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे? आप देखिए, यहाँ पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। प्लस का साइन है और मतलब साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है और स्क्वायर भी है। तो आप देखिए, साइन स्क्वायर वन है। अगर साइन स्क्वायर 90 डिग्री है तो इससे पहले साइन स्क्वायर 89 डिग्री होगा ना। तो 89 प्लस वन आपका बन जाएगा 90, तो इसका आंसर आ जाएगा वन। ऐसे ही देखिए, वन का 89 के साथ हो जाएगा तो ये 90 बन जाएगा। 2 का 88 के साथ हो जाएगा तो ये 90 बन जाएगा। 3 प्लस 87 मिला के 90 बना देंगे। यहाँ से 3 और यहाँ से पीछे से एक टर्म, ऐसे करते करते आप देखेंगे कि जो सारी टर्म्स हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होती जाएंगी। ठीक है, लेकिन बीच में एक टर्म ऐसी बच जाएगी जो 90 डिग्री, जिसका सम नहीं हो पाएगा, उसका पेयर नहीं बन पाएगा, वो होगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इससे पहले के देख लीजिए आप, 44 और 46, अगर आप इनका सम करेंगे तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे सारी टर्म्स का सम जो है 90 डिग्री आ जाएगा, लेकिन एक टर्म ऐसी बच जाएगी जिसका पेयर नहीं बन पाएगा, वो होगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब आप ऐसे एक एक करके काउंट करके तो देख नहीं सकते, तो आप कैसे निकालेंगे कि ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ हमने 89 तक के लिए किया है ना ये, तो 89 माइनस वन, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म अपॉन डिफरेंस। इनमें डिफरेंस कितना है, वन के बाद कितना है, 2 डिग्री का एंगल है, तो डिफरेंस कितना हो गया, वन। और तो आप देखिए, यहाँ पर हो गया 89 माइनस वन, तो 88, ये आपके टोटल 88 टर्म्स आ गई। तो यहाँ से साइन वन से 89 तक कितनी टर्म्स हो गई आपकी, टोटल टर्म्स हो गई आपकी 88। पर आपको इसमें दो टर्म्स को बन के हमारा एक बन रहा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 44। पर हमने जो साइन 45 डिग्री था इसका पेयर तो नहीं बन रहा था, ये रह गया था हमारा, इसके साथ हमारा साइन स्क्वायर 45 डिग्री अभी ऐड होना बाकी है। तो 44 प्लस साइन स्क्वायर 40, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, 44 एंड हाफ, ये आ गया। लेकिन अभी इसमें एक और टर्म बची हुई है, हमने साइन 1 से साइन 89 तक की वैल्यूज निकाली थी, लेकिन साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू तो हमने यहाँ पर लिखी नहीं। साइन स्क्वायर 90 क्या होता है, 1, तो इसमें प्लस 1 कर देंगे तो 45 एंड हाफ, ये यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आ गया। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या किया, साइन 1 से साइन स्क्वायर 89 तक की हमने टोटल वैल्यूज निकाली थी कितनी होती हैं, तो 89 माइनस 1 अपॉन 1 जो इनका कॉमन डिफरेंस था, तो ये क्या था, ये हमारा बन रहा था, ये 88 हमारी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई थी, लेकिन दो टर्म को मिला के यहाँ पर हमारा एक आ रहा था, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 44 आ गया। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का पेयर हमारा कहीं पर भी नहीं बन रहा था, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये आंसर आ गया। लेकिन एक और टर्म थी साइन स्क्वायर 90 डिग्री, जो हम ऐड कर, हमने पहले उसको नहीं लिया था तो अब हमने उसको लेके भी ऐड कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इसी तरह से साइन या कॉस के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और उनमें से हमेशा ही जो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की टर्म है वो इसमें कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, उसका पेयर नहीं बन पाएगा, तो उसको आपको अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे मैं एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको कि कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने का, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन डिफरेंस। ठीक है, इससे आप जितनी भी टर्म्स हैं वो निकाल सकते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री
साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो अगेन आपको सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होंगी। तो आप देखिए 89 माइनस 89 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब हमें ऐसे 1 1 के पेयर निकालने के कितने बन जाएंगे। अब आप देखिए इसमें बताइए आप कि ये 4 4 के गैप पे है, 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, तो डिफरेंस कितना है, 4 4 का डिफरेंस है। तो क्या इसमें साइन 45 आएगा, साइन स्क्वेयर 45, इसमें साइन स्क्वेयर 45 आएगा। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वही करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, 89 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 1 4 का डिफरेंस है ना, तो ये 88/4 22 हो गया, प्लस साइन स्क्वेयर 45 डिग्री। ये अभी भी इसका पेयर नहीं बन पाएगा। ठीक है, अभी 22 के टोटल हमारी टर्म्स हो गई, लेकिन दो टर्म का 1 बन रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या जाएगा, 11 प्लस साइन स्क्वेयर 45 डिग्री, 11 प्लस 1/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 11 1/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि इस सीरीज में हमारा जो 45 डिग्री का एंगल है वो आएगा या नहीं आएगा। और अगर 45 डिग्री का एंगल आता है तो उसका पेयर किसी के भी साथ नहीं बनता है, क्योंकि आपको पता है 45 के बाद एक और 45 चाहिए तभी वो 90 बनेगा। लेकिन एक सीरीज में दो बार 45 डिग्री आ जाए ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमेशा 45 डिग्री का एंगल हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा अगर वो इस सीरीज में आ रहा है तो। ठीक है, तो चलिए जैसे अब यहाँ पर हमने साइन के देखे थे, अब हम कॉस की भी कुछ वैल्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप देखिए 80 प्लस 10 90 डिग्री बन रहा है, तो ऐसे ऐसे पेयर बन जाएंगे 80 प्लस 10 के, फिर 70 प्लस 20 के, फिर 60 प्लस 30 के। तो क्या इसमें 45 डिग्री का एंगल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये 10 10 के गैप पे हैं और 45 5 के गैप पे आ सकता है, तो इसमें 45 डिग्री का एंगल नहीं आएगा आपका। तो आपके लिए क्वेश्चन और ईजी हो गया, आपको बस इसमें से नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, 80 माइनस 10 और डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो ये कितना आ गया, 80 माइनस 10 आ गया आपका 70 और डिफरेंस आ गया आपका 10 का। ठीक है, पर इसमें क्या है, दो टर्म्स मिलके एक 1 बनाती हैं, जैसे ये दो टर्म्स मिले तो ये एक 1 बनाया, लेकिन इसमें टोटल टर्म्स कितनी आ गई हमारी, 7, तो हम 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 1/2। तो देखते हैं आप कितने ईजिली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, और ये सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम। ये है कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर 5 का किसके साथ पेयर बनेगा, 5 5 का डिफरेंस है, तो कॉस स्क्वायर 90 किससे पहले क्या होगा, कॉस स्क्वायर 85 डिग्री, तो 5 का पेयर 85 से बनेगा, है ना। ऐसे फिर 10 का किसके साथ बन जाएगा, 80 के साथ। तो आप क्या कीजिए, यहाँ तक के आप सीरीज की टर्म्स निकालिए, 85 माइनस 5 अपॉन डिफरेंस कितना है, 5 का। और क्या यहाँ पर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री आएगा, आएगा, क्योंकि यहाँ 5 5 का डिफरेंस है, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का पेयर नहीं बनेगा। तो ये हो गया 80/5 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ये 16 आ गया आपको। अब आप देखिए ये 16 तो टोटल टर्म्स आई हैं हमारी, हम 16 को एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 1/2, इसका ये जो स्क्वायर है ये भी तो आएगा 8 1/2। लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तो छूट गया था, लेकिन कॉस स्क्वायर 90 की वैल्यू आपको पता होती है 0 आएगी, अगर हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो भी आंसर यही रहेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को देखें समझें और प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन कीजिए, और हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसी ही टिप्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।